आज के इस सेशन में टॉपोसिट के बारे में दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे। टॉपोसिट जनरली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा ये पब्लिश होता है। जनरली इंडिया पे हम तीन टाइप टॉपोसिट्स के मैप हम यूज करते हैं दोस्तों। 1:25,000 वाला एक, 1:50,000 वाला एक और 1:250K वाला एक स्केल हम जनरली कॉमनली यूज करते हैं दोस्तों। टॉपोसिट मैप मतलब इतना समझ लीजिए, अर्थ को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों एक 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में हमने कुछ कुछ एरिया को हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है नंबर सिस्टम के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 4 डिग्री लॉन्गी लैटिट्यूड यहाँ पे दोस्तों 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और यहाँ पे दोस्तों लॉन्गिट्यूड आप देखेंगे तो 44 डिग्री से 124 डिग्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट दोस्तों इसी एरिया पे हैं। तो इन एरिया को दोस्तों हमने इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों, जियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए दोस्तों हमने इनका थोड़ा नंबर सिस्टम किया हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे दोस्तों कॉलम बेसिस पे नंबरिंग सिस्टम किया हुआ है। ये इसलिए कि हम अगर कोई भी 50 नंबर टॉपोसिट एरिया को ढूंढेंगे दोस्तों, ये 50, 51, ये देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे नंबर थोड़ा भी, ये दोस्तों मतलब कि 49, 50 एरिया, यहाँ पे आपका लाक्षाद्वीप एरिया है दोस्तों, ये 50 एरिया। जनरली ये जो टॉपोसिट नंबर दोस्तों आपको ओशन में देखने को नहीं मिलेगा, ओशन पे नील है दोस्तों इस एरिया पे, इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे लाक्षाद्वीप एरिया है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, अर्थ में कोई भी पोजिशन को, कोई भी एरिया को जियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए हमें बहुत ही आसान होता है टॉपोसिट मैप के द्वारा। और टॉपोसिट मैप इसीलिए प्रोड्यूस होता है कि हम अर्थ को दोस्तों 4 डिग्री 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में, अर्थ में दोस्तों 4 डिग्री 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में एक एक प्लेस, ये दोस्तों 4-4, ये दोस्तों 4-4 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे 32 देख सकते हैं, ये 36, 4 डिग्री हो गया उसका लैटिट्यूड, यहाँ से भी दोस्तों 4 डिग्री है, ओके ये भी दोस्तों 4 डिग्री 4 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 44 है दोस्तों, 48 से 52। अगर कोई भी एरिया को हम स्टडी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं दोस्तों ये एरिया को, दोस्तों इसका हम टॉपोसिट हम यूज करेंगे दोस्तों। ये टॉपोसिट नंबर क्या है दोस्तों, ये टॉपोसिट नंबर क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 54 है। तो यहाँ पे 54 अगर मैप अगर हम ले आएंगे तो दोस्तों इतना बड़ा सा एरिया हमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसका स्केल आप देख सकते हैं 1:10,00,000 स्केल क्या है दोस्तों, 55। अगर कहीं पे भी आपको नंबर ऐसा 55 का टॉपोसिट मेरे को दे दो, कोई अगर मांग रहा है तो उसको 1:10,00,000 स्केल का एक टॉपोसिट मैप मिलने वाला है। 1:10,00,000 का मतलब क्या है दोस्तों, 1:10,00,000 उसको दोस्तों आप सेंटीमीटर पे डिफाइन कर लो, सेंटीमीटर पे डिफाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, ये कट जाए, सॉरी सेंटीमीटर से मीटर को डिफाइन करोगे तो ये कट जाएगा, मीटर से दोस्तों किलोमीटर को करोगे तो ये कट जाएगा, तो दोस्तों 1:10,000,000 स्केल, ओके 1 सेंटीमीटर पे आपको 10 किलोमीटर का डाटा यहाँ पे पुट करना होगा दोस्तों, जो कि बहुत ही काफ़ी ज़्यादा डाटा यहाँ पे पुट होने वाला था, लेकिन इसका स्केल छोटा होने के कारण, मतलब कि स्केल का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर दोस्तों, ये स्केल दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब कि एरिया यहाँ पे आपको इतना डाटा आप भर नहीं सकते। तो दोस्तों जब आपको कोई भी 55 वाला टॉपोसिट दे रहा है तो उसका स्केल कितना होगा दोस्तों, 1:10,000,000। और अगर आपको डिटेल स्टडी करना है दोस्तों इतना बड़ा स्केल में, तो आप स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डाटा को 1 सेंटीमीटर में आप पुट नहीं कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों उसको एक डिवीजन है दोस्तों, इसको हम मतलब कि थोड़ा और भी मतलब कि इससे दोस्तों थोड़ा छोटा साइज ले लेते हैं, ये दोस्तों डिवाइड कर देते हैं, हमें स्टडी करना था दोस्तों, ये तो 55 है, ये वाला एरिया 55 है, देखिए दोस्तों 76 से 80, तो ये 76 है, ये 80 है, ओके 77, 78, 79 एंड 80, ये दोस्तों 4 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड हो गया और 4 डिग्री लैटिट्यूड, कौन सा एरिया देख रहे थे दोस्तों, ये 24 to 28 आप देखिए दोस्तों, ये दोस्तों 24 है, ये दोस्तों 28 है, ये दोस्तों आपका 29, 30, 31, ओके दोस्तों ये आपका कितना है दोस्तों, 32 होने वाला है ना, तो यहाँ पे फिर से ये जो 54 डायग्राम को मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इमेज को थोड़ा अच्छे से दिखा रहा हूँ, अगर 53 आ गया तो दोस्तों आपका जो स्केल का साइज कितना होगा दोस्तों, 1:10,000,000 वाला स्केल आप यूज कर रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसको हम कॉलम वाइज हम डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, वन डिग्री पे यहाँ पे हम कॉलम वाइज डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका 28 था ना, यहाँ पे 28 था, यहाँ पे 32 था, तो वन डिग्री हम डिवाइड करेंगे दोस्तों यहाँ पे। ओके, ये दोस्तों 28, 29, 30, 31 एंड 32, और लैटिट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड आपको बता चुका हूँ। कहने का मतलब यही है दोस्तों, यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये वाला 53 वाला मैप है, 53 वाला मैप को हमने डिवाइड किए हैं यहाँ पे 16 घरों में डिवाइड किए हैं दोस्तों। जो पहला घर है दोस्तों उसको ए डिनोट किया जाता है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। दोस्तों ये जो 16 घर आप देख रहे हो दोस्तों, इसको हम दोस्तों मतलब कि वन डिग्री में डिवाइड कर ली। ये पहले किया होता था दोस्तों पूरा फोर डिग्री, इसको हम वन 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 डिग्री में डिवाइड करते हैं। देखिए दोस्तों ये वन डिग्री, ये वन डिग्री, ये वन डिग्री, ये वन डिग्री, तो दोस्तों उसका स्केल का साइज अभी घट जाएगा दोस्तों। तो हमें अगर पर्टिकुलर एरिया 53 को स्टडी करने में दिक्कत होता था, लेकिन अभी थोड़ा जूम कर देंगे तो मुझे अभी पढ़ाई करना है दोस्तों 53 बाई एन को, दोस्तों एन एरिया इस साइड वाले एरिया को मुझे पढ़ना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों 53 बाई एन लिख दूंगा। तो ऐसे में स्केल का साइज पहले 10 किलोमीटर था दोस्तों, अब क्या हो जाएगा 1:2, ये स्केल का साइज दोस्तों घट जाएगा 2.5 लाख सेंटीमीटर होगा दोस्तों। इसका मतलब अगर 53 बाई एन कहीं पे भी दिया गया होगा तो आपको एक डिटेल्स मैप मिल जाएगा जो जिसका कि स्केल होगा 1:2.5 किलोमीटर, मतलब 2.5 किलोमीटर डाटा दोस्तों आपको इसी 1 सेंटीमीटर के एरिया पे रिप्रेजेंट करना होगा दोस्तों। ये भी बहुत ही मुश्किल वाला काम होगा, क्योंकि यहाँ पे भी दोस्तों 2.5 किलोमीटर बहुत सारे डाटा होते हैं यहाँ पे डिनोट करना। तो हम फिर से स्केल का साइज को डिक्रीज करवाएंगे सो देट कि हमें फर्दर स्टडी करने का और भी आसान हो पाए। तो दोस्तों ये 53 बाई एन लिए थे दोस्तों, अभी हम मुझे लग रहा है कि मुझे और भी थोड़ा जूम करना है, ये एरिया पर्टिकुलर ये एरिया को स्टडी करना है दोस्तों। इसको भी हम दोस्तों 4 भागों में डिवाइड किए, ये पहले किया था 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो अब दोस्तों हम क्या 30 मिनट पे हम दोस्तों अभी डिवाइड करेंगे दोस्तों। 30 मिनट पे ये एन वाला एरिया को हमने ले आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या था दोस्तों 30 31, ओके यहाँ पे क्या था 30 31, ये दोस्तों क्या था दोस्तों 1 डिग्री 1 डिग्री पहले था ये 1 1, ओके मतलब यहाँ पे दोस्तों आप 30 30 मिनट, यहाँ से दोस्तों 30 मिनट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये दोस्तों 30 मिनट हो जाएगा। ओके यहाँ पे ये 30 मिनट हाफ अगर कर देंगे तो ये एरिया क्या है दोस्तों, पूरा एरिया 53 बाई एन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वाला ये एरिया है, नॉर्थ वेस्ट वाला ये एरिया है, साउथ वेस्ट वाला ये एरिया है और साउथ ईस्ट वाला ये एरिया है दोस्तों। पहले क्या था कि 1 डिग्री पे आप स्टडी कर रहे थे, आप थोड़ा जूम करोगे तो कौन सा वाला एरिया को आपको जाना है दोस्तों, मुझे ये पर्टिकुलर ये एरिया को स्टडी करना है दोस्तों। ये एरिया दोस्तों आपको नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया पे मिल जाएगा। ओके तो आपको क्या करना है नॉर्थ ईस्ट, तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि स्केल और भी घट जाएगा दोस्तों। यहाँ पे स्केल होगा कितना 1:1 लाख सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर पे आपको 1 किलोमीटर का डाटा दोस्तों रखना है दोस्तों। बता रहा हूं यहां पे पहले एक मतलब ग्रिड आपको लेना था, ये ग्रिड दोस्तों 4 डिग्री 4 डिग्री का है, ये दोस्तों ग्रिड क्या है दोस्तों 4 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री का है दोस्तों। कोई भी उसका नाम नेमिंग होगा उसके हिसाब से आपको लिखना है। यहाँ पे मैं 53 लिख सकता हूँ, नीचे 54 लिख सकता हूँ, ओशन पे नहीं होता है जनरली, ओशन पे आपको ये ग्रीन नहीं मिलेगा, ओनली कॉन्टिनेंटल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 53 का टॉपोसिट मैप आप यहाँ पे रख सकते हैं, कितना है दोस्तों 53 का टॉपोसिट मैप दोस्तों, ये 4 डिग्री 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में। ओके तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 16 घर में सो देट कि हमें डिटेल स्टडी करने का मौका मिल पाए। ओके तो इसका स्केल क्या होता था, यहाँ पे दोस्तों स्केल क्या होता था 10 लाख, अगर कहीं पे भी 53 ओनली दे रहा है तो उसका स्केल का साइज क्या है दोस्तों 1 सेंटीमीटर 1:10 किलोमीटर। ओके अगर 53 का तो हमें डाटा मिल गया दोस्तों, 53 का तो हमें ये डाटा मिल गया, अब दोस्तों क्या स्टडी करना है 53 का डिटेल स्टडी करना है दोस्तों, 53 का क्या डिटेल स्टडी करना है। तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच ये 1 डिग्री में हम डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, आई जे के एल एम एन ओ पी दोस्तों, मुझे एन एरिया स्टडी करना था दोस्तों 53 बाई एन,
ऐसा लिख दूंगा दोस्तों, ये पूरा एरिया का मुझे टॉपो सीट लेना है दोस्तों। इसका स्केल क्या हो जाएगा दोस्तों, 1:2.5 किलोमीटर। ओके, इस एरिया भी दोस्तों 2.5 किलोमीटर का डाटा 1 सेंटीमीटर रखना दोस्तों बहुत ही डिफिकल्ट है। तो दोस्तों और भी डिटेल स्टडी करना है मुझे, इसी एरिया के बारे में स्टडी करना है दोस्तों। ये ब्लू वाला जो पॉइंट देख रहे, इसी एरिया पे मुझे स्टडी करना है। तो दोस्तों 53 वाला मैप वाला मैप जो कि स्केल है 2.5 किलोमीटर पर 1 सेंटीमीटर, ये वाला स्केल काम में नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इस एरिया को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये पहले 1 डिग्री 1 डिग्री था, 1 डिग्री 1 डिग्री था, इसको दोस्तों 30 मिनट में हम डिवाइड कर रहे हैं। ये दोस्तों ये 30 मिनट हो जाएगा, ये 30 मिनट हो जाएगा, 1 डिग्री को डिवाइड करेंगे हाफ हाफ में तो 30 मिनट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों चार, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, दोस्तों चार घर आ रहा है दोस्तों। तो 53/N दोस्तों मेरा डाटा यहाँ पे है, ओके मेरा डाटा यहाँ पे है, तो मुझे नॉर्थ ईस्ट को स्टडी करना है, नॉर्थ ईस्ट को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे तो स्केल हो जाएगा दोस्तों और भी घट जाएगा, 1:1:1 क्या हो जाएगा, 1 लाख, मतलब 1 किलोमीटर हो जाएगा स्केल। ओके, अगर इसको भी आपको और भी मतलब फर्दर डाटा आपको कलेक्ट करना है, डिटेल स्टडी करना है दोस्तों, डाटा आपका सपोज यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है दोस्तों, इसको और भी फर्दर डिटेल्स कर सकते हैं। ये 30-30 में डिवाइड कर रहे थे उस टाइम दोस्तों, 15-15 में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 53/N नॉर्थ ईस्ट के बदले, नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड कितना कर रहे थे दोस्तों, 53/N नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे दोस्तों। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बदले में, नॉर्थ ईस्ट के बदले में दोस्तों आप ये दोस्तों कितना था, 30 मिनट। ओके, नॉर्थ ईस्ट के बदले में आप दोस्तों इसको क्या लिख पाओगे कि 53/N इसको फिर से आप 15-15 डिग्री में डिवाइड कर लो। ये पहले 1 डिग्री 1 डिग्री हुआ करता था दोस्तों, ये मतलब आपको बताना चाहूँगा इस एरिया पे दोस्तों, इस एरिया पे देखिए 53/N मतलब कि क्या होता था, ये देखिए 1, 2, 3, 4 ये दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्या आप इसी एरिया को आप डिटेल स्टडी कर रहे थे दोस्तों पहले नॉर्थ ईस्ट, लेकिन इसको दोस्तों अभी 15-15 डिग्री में डिवाइड करोगे तो 4 लाइन यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी दोस्तों 4 लाइन आपको प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों ये, ओके इसका नाम क्या होगा दोस्तों, ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मतलब 1 डिग्री, ये यहाँ से दोस्तों 1 डिग्री होता है, यहाँ से दोस्तों आपको 1 डिग्री। ओके, यहाँ पे दोस्तों 1 डिग्री को आप 15-15 मिनट में आप डिवाइड किए हैं दोस्तों, 15 मिनट। ओके, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो दोस्तों यहाँ पे आप कौन सा एरिया को स्टडी कर रहे थे दोस्तों, आपका सैंपल कहाँ पे है दोस्तों, इस एरिया पे था, इस एरिया पे। तो मुझे दोस्तों ये वाला मैप मुझे चाहिए डिटेल स्टडी करने के लिए। ओके, तो दोस्तों मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, 2, पहले क्या लिखता था 53/N/NN लेकिन अभी क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के बदले में दोस्तों ओनली 2 लिख रहा हूँ, तो मतलब स्केल दोस्तों यहाँ पे घट जाएगा। तो इसमें क्या होता था स्केल दोस्तों, 1:1 लाख, 1:1 क्या होता था दोस्तों, 1 लाख, लेकिन अभी क्या होगा दोस्तों, 53 में क्या होता था, 53 लिखता था तो 10 किलोमीटर, 53/N लिखता था तो क्या होता था दोस्तों, 2.5 किलोमीटर, एंड 53/N/NE लिखता था तो कितना होता था दोस्तों, हमारा कितना होता था भाई, 1 लाख। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप 2 लिख रहे हो, तो ये वाला स्केल दोस्तों मतलब कि 1 लाख वाला, ये 1 किलोमीटर डाटा, ये वाला स्केल हो जाएगा दोस्तों 1:50K ओनली। ओके, 53/N/2 अगर आप लिखोगे तो आपको कौन सा स्केल, और भी स्केल दोस्तों छोटा हो जाएगा और डिटेल्स स्टडी आपको करने के लिए मौका मिल जाएगा दोस्तों। 50K मतलब कितना है दोस्तों, 1500 मीटर का डाटा आपको ओनली 1 सेंटीमीटर में भरना है। तो ये थोड़ा लगता है कि पॉसिबल है, और भी अगर डिटेल स्टडी करना चाहते हो दोस्तों 53/N/2 फिर से आप
इसको भी दोस्तों 7.5-7.5 में डिवाइड कर सकते हो। ये 15 मिनट में डिवाइड किया था, अभी इसको दोस्तों इस घर को दोस्तों आपने और भी डिटेल स्टडी करना है। अगर 14 का डिटेल स्टडी करना है दोस्तों, ये 14 का डिटेल स्टडी करना है, ये कितना है दोस्तों 15 मिनट है दोस्तों यहाँ से। अगर इसको स्टडी करना है दोस्तों, ये दोस्तों आप हाफ कर सकते हो। ओके, आप करोगे तो आपको 7.5 मिल जाएगा। पहले 15 मिनट था, अभी 7.5 मिनट का डाटा ले सकते हो। तो 7.5 मिनट मतलब यहाँ पे दोस्तों ये देखिए दोस्तों 7.5 मिनट का डाटा। तो इसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों, फिर से ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नॉर्थ ईस्ट। तो दोस्तों ये स्केल क्या हो जाएगा दोस्तों, 1:25 के स्केल हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही आपको मतलब मैप को डिफाइन करना है, कैसा नाम कैसा दिया है, सो देट कि आपको स्केल पता चल जाए। दोस्तों आपको नाम कैसा देता है दोस्तों, अगर 53 दे दिया तो ये स्केल क्या है, 1:10 लाख्स, 1:10 लाख्स का स्केल है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर पे दोस्तों आपको 10 किलोमीटर का डाटा भरना है। अगर 53 बाई आपको पी दे दिए, बी दे दिए, डी दे दिए, तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, ये जो स्केल है क्या है, 1:2.5 लाख्स, 2.5 लाख। तो ये 1 सेंटीमीटर एरिया पे दोस्तों 2.5 किलोमीटर का डाटा आपको यहाँ पे भरना है। तो 53 बाय डी बाय अगर नॉर्थ ईस्ट आ गया दोस्तों, ऐसा अगर कोई नॉर्थ ईस्ट मतलब क्योंकि यहाँ पे आप डिवीजन कितना 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड 4 डिग्री लैटिट्यूड पे आप कर रहे थे, यहाँ पे डिवीजन कितना कर रहे थे दोस्तों 1:1, यहाँ पे दोस्तों 30 मिनट बाई 30 मिनट पे आप कर रहे हैं। तो आपको क्या यहाँ पे स्केल क्या आएगा दोस्तों, 1:1 लाख्स, 1:1 लाख्स का स्केल, मतलब 1 सेंटीमीटर डाटा में दोस्तों 1 किलोमीटर का डाटा आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद 53 डी बाई नॉर्थ ईस्ट के बदले में 1, 2, 3, 4 अगर नंबरिंग हो गया तो स्केल और भी घट जाएगा दोस्तों, स्केल और भी घट जाएगा। तो ऐसा नॉर्थ ईस्ट के बदले में अगर यहाँ पे दोस्तों 2 आ गया तो यहाँ पे जो स्केल होगा दोस्तों ये और भी घट जाएगा। तो 1:2 कितना होगा, 50,000 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा, 1:500 मीटर का डाटा आपको, 500 मीटर का डाटा दोस्तों 1 सेंटीमीटर आपको भरना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्केल कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको ये 1 मिनट था, ये दोस्तों 30 मिनट था दोस्तों, यहाँ पे स्केल दोस्तों 15 मिनट में आपको डिवाइड करना है। अगर और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं, और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं दोस्तों, 53 बाय डी बाय 2 बाय और भी अगर डिटेल्स इसको जानना चाहते हैं दोस्तों, उसको और भी एक बार डिवाइड करना होगा। ये 15 मिनट तो 7.5-7.5 में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, ये 15 मिनट का घर। तो यहाँ पे दोस्तों 2 के बाद नॉर्थ ईस्ट आप ले सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट ले सकते हैं दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट में आपको स्केल कितना हो जाएगा, 1:25,000, 1:25,000। तो यहाँ पे दोस्तों 1 सेंटीमीटर पे आपको 250 मीटर का डाटा आपको यहाँ पे भरना होगा। तो कि यहाँ पे 7.5 मिनट और 7.5 मिनट के बीच में दोस्तों आपको यहाँ पे डाटा भरना होगा। तो यही था दोस्तों टोपोसिट मैप, टोपोसिट कैसे नेमिंग करते हैं, टोपोसिट का स्केल आपको डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट स्केल आपको कैसे यूटिलाइज होता है उसके बारे में दोस्तों बताया गया था। तो टोपोसिट के हिसाब से दोस्तों हम जियोलॉजिकल स्टडी पूरा अच्छे से कर पाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा ये मैप दोस्तों वर्ल्ड पे, दोस्तों ये पूरा हम वर्ल्ड को हम 4 डिग्री से 36 तक दोस्तों नंबरिंग कर चुके हैं, 44 से 124 तक नंबरिंग पूरा, जहाँ पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों यहाँ पे नंबरिंग नहीं किया जाता है। ओके, ओनली कॉन्टिनेंटल एरिया पे, ये देखिए दोस्तों कॉन्टिनेंटल, ये भी यहाँ पे दोस्तों आपका मालदीव से बहुत सभी कॉन्टिनेंटल एरिया पे हम दोस्तों नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टोपोसिट का स्केल, यहाँ पे एक मैप इसी एरिया के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो दोस्तों जस्ट ये बड़ा स्केल है। अगर आप 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट का स्केल लेंगे तो ये बहुत ही छोटा, यहाँ पे दोस्तों बहुत कम स्पेस में दोस्तों बहुत ज़्यादा डाटा आपको मिल जाएगा। ओके, लेकिन जो बड़ा 4 डिग्री 4 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये जो ग्रीडिंग सिस्टम है इसके वजह से दोस्तों हमें डायरेक्टली एक टोपोसिट, एक मतलब रेगुलराइज मेथड पे आप मतलब जियोलॉजिकल फील्ड स्टडी कर सकते हो बहुत ही आसान से। मतलब कि आप डायरेक्टली बोलना कि मेरे को ये एरिया पे काम करना है और इसका टोपोसिट आपको भेज देंगे। उसका टोपोसिट भेजने के बाद आपको और भी डिटेल्स स्टडी करने के लिए उसका डिफरेंट डिफरेंट टोपोसिट आपको भेजेंगे। जैसे कि ये 53 वाला टोपोसिट अगर मांगोगे तो 53 वाला नॉर्थ ईस्ट में अगर काम कर रहे हो तो इसका 53 बाई आपको मतलब कि
ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम, एम वाला आपको मैप पकड़ा देंगे। ओके, एम वाला पकड़ा देने के बाद आपको दोस्तों और भी डिटेल्स अगर जानना है तो उस वहाँ पे दोस्तों नॉर्थ ईस्ट पकड़ा देंगे, और भी अगर डिटेल्स जानना है तो आपको वहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 ऐसे कोई मैप के बारे में दे देंगे। तो दोस्तों आपको मतलब कि काम के हिसाब से ये टॉपोसिट मैप मिलेगा। तो अभी आपको ये काम है कि टॉपोसिट मैप को पूरा डिटेल्स समझ जाओ। समझने के बाद आप कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि जीएसआई पे भी आता है, गेट पे भी आता है और जाम पे भी आता है, सभी का क्वेश्चन दुनिया पे हर कोई टॉपोसिट वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे। कुछ नहीं दोस्तों, टॉपोसिट पे इतना बेसिक सा सवाल पूछता है कि यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, ये 53 वाला है और नीचे क्या होगा दोस्तों, 54 वाला होगा। अगर 55 वाला और नीचे, अगर 55 के नीचे पानी होगा तो और नहीं होगा, जो 56 होगा दोस्तों ऊपर में ही होगा 56। तो आपको यहाँ पे क्या ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, ये सपोज आपका 53 है, 54 है, 55 6 7 8, तो यहाँ से फिर से दोस्तों आपका 59 वाला यहाँ से आएगा ऐसे। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आपको जब भी जियोलॉजिकल स्टडी करोगे दोस्तों, उसका मतलब कि स्टडी एरिया के हिसाब से, मतलब आप कितना डिटेल स्टडी कर रहे हो उसके हिसाब से आपको दोस्तों टॉपोसिट ढूंढना पड़ेगा। और टॉपोसिट ढूंढने के बाद जाम के लिए क्वेश्चन के साथ था दोस्तों, ये आपका 54 वाला टॉपोसिट है, तो ऑब्वियसली इसके नीचे क्या होगा दोस्तों, 55 होगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, कि आपने यहाँ पे 54H वाला काम कर रहे हो, 54H के साइड में कौन सा होगा दोस्तों, 54H के साइड में सॉरी ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच के साइड में दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 55E होगा दोस्तों, 55E होगा। यहाँ पे क्या होगा देखिए, आपको क्वेश्चन पूछेगा 54H के सराउंडिंग क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, 54H के सराउंडिंग दोस्तों मेरे को देखने को मिलेगा दोस्तों 55 बाई ई और क्या 54 बाई एल और क्या 54 बाई जी और क्या मिलेगा दोस्तों 54 बाई डी। आपको ये चार मतलब घर यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों, ये सराउंडेड है। और आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप एरिया पे एक काम कर रहे हो, जिस एरिया पे एक आपको स्केल मिला है 53 बाई एन वाला स्केल, ओके पी वाला स्केल, कुछ भी वो पूछ सकता है पी वाला स्केल। तो इसी स्केल पे अगर आप काम कर रहे हो, एक रोड का लेंथ है 15 किलोमीटर, एक रोड का लेंथ है कितना 15 किलोमीटर, तो आपको कितना किलोमीटर, ये जो 15 किलोमीटर है 53 बाई पी पे आप काम कर रहे हो, यहाँ पे आपको एक रोड मिला दोस्तों 15 किलोमीटर, तो आपको मैप पे इस रोड का लेंथ कितना होगा, ओरिजिनल लेंथ कितना है दोस्तों 15 किलोमीटर, ये स्केल कितना का है 1 लाख, 1:1 लाख, 53 बाई 53 होता तो 4 10 मतलब कि 10 किलोमीटर का होता, लेकिन 53 बाई पी यहाँ पे अगर दिया है दोस्तों, सॉरी 2.5 किलोमीटर, 1:2.5 किलोमीटर, तो दोस्तों 1 सेंटीमीटर कैरी डाटा ऑफ 2.5 किलोमीटर, तो 15 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर का डाटा आएगा दोस्तों। एक ये जो 15 किलोमीटर वाला लेंथ का आप रोड देख रहे हो दोस्तों, मैप पे कितना सेंटीमीटर का लेंथ होगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर, ओके 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 × 2.5 इज इक्वल टू 15, ओके 6 × 2.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 15 होगा। तो यही था दोस्तों, आपको ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आपको इस टॉपिक पे शायद आशा करता हूँ कि बहुत सारे डाटा मिल चुका होगा, और भी फर्दर स्टडी के लिए इसका एक नोट को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।